लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने ली प्रेस वार्ता। वहीं देवास कलेक्टर कार्यालय में जानकारी दी। वहीं पिछले दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर हुए मतदान की आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर एक प्रेस वार्ता आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने ली। इस दौरान कलेक्टर गुप्ता ने मतगणना की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि देवास के बैंक नोट प्रेस में स्थित केंद्रीय विद्यालय में होने वाली इस मतगणना को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इस दौरान करीब 1000 अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। देवास जिले की खातेगांव, देवास, सोनकच्छ, हाटपिपली और बगली विधानसभा की सीटों को लेकर मतदान होना है। बैलेट पेपर की गिनती और अंतिम परिणाम शाजापुर आरओ द्वारा घोषित किया जाएगा। वहीं इस दौरान कलेक्टर गुप्ता के ने शहर के 3 अलग अलग चौराहों पर बड़ी स्क्रीन आमजन को परिणाम दिखाने के लिए लगाने की बात करते हुए साथ ही टेंट और पीने के लिए शीतल जल की व्यवस्था करने की भी बात कही। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि देवास, सोनकच्छ और खातेगांव में 21 राउंड, हाटपिपलिया विधानसभा में 18 राउंड और बागली विधानसभा के लिए 22 राउंड गिनती संपन्न होगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने की बात करते हुए कहा, मतगणना स्थल पर सिर्फ कार्ड धारकों की ही एंट्री की बात कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कही। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग संपन्न होनी है। देवास जिले में सुबह 8 बजे से ही ईवीएम के राउंड चालू हो जाएंगे। 5 विधानसभाओं की काउंटिंग बीएनपी परिसर के केवी में होगी। यदि हम राउंड्स की बात करें तो हाटपिपलिया में 18 राउंड्स, इसके अलावा सोनकच्छ, खातेगांव और देवास में 21 राउंड और बागली में 22 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। इससे पहले हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी डिस्कशन हो गया है किस प्रकार से एजेंट्स नियुक्त किए जाने हैं, कैसे उनके आई कार्ड वितरण किए जाएंगे, कहां से उनकी एंट्रीज रहेंगी और कहां कहां पर मूवमेंट अलाउड रहेगा, ये सब बातें आज डिटेल में बताई गई हैं। यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो बीएनपी परिसर में 3 लेयर्ड सिक्योरिटी, राइट फ्रॉम द डे जब हमारी मशीन्स स्ट्रांग रूम में जमा हुई थी तब से लगी हुई हैं। ये सिक्योरिटी इसी प्रकार टाइट रूप से मतगणना के दिन भी रहेगी। हमारा प्रयास है कि देवास ज़िले में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से काउंटिंग पूरी हो। इसके अलावा शहर में 3 मेजर पॉइंट्स, भोपाल चौराहा, जवाहर चौक, सयाजी गेट, तीनों पर बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी ताकि आम जन के लिए भी सुविधा हो, किसी को बीएनपी तक ना आना पड़े। वहां पर हर राउंड के बाद काउंट जो रिजल्ट्स होंगे उसकी अनाउंसमेंट्स की जाएंगी और वहां पर क्या इन जनरल इलेक्शन के रिजल्ट चल रहे हैं उनको भी दर्शाया जाएगा। सर, फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट कहाँ से होगा, कौन आरओ करेंगे और जो है कितना जो है कर्मचारी अधिकारी अभी ड्यूटी में यहाँ पर तैनात रहेंगे? लगभग 1000 कर्मचारी उस दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। साथ ही यदि हम बात करें रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट की तो यदि हम 5 असेंबलीज की बात करें, 3 असेंबलीज हाटपिपलिया, देवास और सोनकच्छ, इनका रिजल्ट का अनाउंसमेंट शाजापुर में होगा। बागली हमारी जो असेंबली है उसका अनाउंसमेंट खंडवा में होगा और जो हमारी खातेगांव असेंबली है उसका अनाउंसमेंट रायसेन में किया जाएगा। सर, आम लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर वो स्क्रीन पर जब देखने जाएंगे तो काफ़ी गर्मी है और तापमान भी ज़्यादा, तो वहाँ टेंट और पानी की व्यवस्था उनको मिलेगी चौराहे चौराहे? जी बिल्कुल, आम जन के लिए 3 जो स्क्रीन लगा रहे हैं वहाँ पर रहेगी टेंट की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ठंडक की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, साथ ही जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो हमारे इवन एजेंट वहाँ पर रहेंगे, सबके लिए कूलर की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, ये देखते हुए कि बहुत गर्मी है, लू से बचाव की संपूर्ण व्यवस्थाएं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।